तीनों बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट के वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सुनीता, सोशल मीडिया कंपनी एक्स, मेटा और यूट्यूब समेत 5 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नीट रिजल्ट विवाद में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई गई है। इसमें सभी 23 लाख स्टूडेंट्स की ओएमआर शीट के दोबारा चेकिंग करने और नई रैंकिंग जारी करने की मांग की गई है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रेवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो चुकी है जबकि 13 घायल है। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क का नसाऊ क्रिकेट स्टेडियम अगले 6 हफ्तों में डिसमेंटल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां सिर्फ खाली मैदान दिखेगा। अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में ट्रायल शुरू कर दिया है। आने वाले समय में अन्य शहरों में भी ये सर्विस शुरू कर दी जाएगी। राजस्थान में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। पहले फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। मंडला में पुलिस टीम भेसवाई गाँव पहुँची। यहाँ 11 घरों से 150 से ज्यादा गोवंश के अवशेष मिले हैं। पुलिस और राजस्व विभाग ने आरोपियों के घरों को गिरा दिया है। वहीं 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इंदौर की साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। साइबर सेल ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देता था। मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो चुकी है जबकि 2 लोग घायल हैं। आज की खबरों में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।